सुंदर है गेट, चिट्टा द्वार, ये है इसका द्वार। द्वार में हम एंटर करते हुए ध्यान से, बापू जी कहाँ आ गए हम? आपने बोला लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, हम डेड एंड पहुंच गए। यहाँ तो मेला सा लगा हुआ है। कड़ा मेला भाई, यही से आते हैं पापा। वो स्टोन चैरियट है पापा, नहीं रही। हाँ नहीं, नहीं। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ से काफी दूर है तो वो बैटरी वाली गाड़ी में हम जाएंगे। ओ ये देखिए मंकी, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, उधर बैठा है। गाइस हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, ये है विजय विठल टेम्पल। एंड अभी यहाँ पे क्यू है, देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक गाड़ी से जा सकते हैं वहाँ, इसीलिए यहाँ सब लाइन लगा रहे हैं। और उसका 20 रुपीज़ चार्ज होता है ना पर है 20 आने जाने का। एंड दिस सी दिस, एंड अभी हम भी लाइन में लग जाते हैं तो फिर वहाँ हम पहले आए हैं, बट सोचा कि इस बार आपके लिए सबके लिए दोबारा आए। एंड अनुराग भी पहली बार आया तो सोचा वो इंजॉय कर लेगा, फिर हम आपको लेके चलते हैं आगे एंड दिखाते हैं वहाँ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे रिवर है एंड अंजनी पर्वत भी है जहाँ पे बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, बट इतना ऊपर तो अभी नहीं जाएंगे हम बिकॉज बच्चा छोटा है एंड बहुत थक गया है तो हम, बट आपको दूर से कैप्चर करके हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ पर है, तो आप दूर से ही देख सकते हैं। तो आपको जब भी आना हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ जाने का भी रास्ता है। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस अभी हमारे साथ हादसा हुआ, बुआ के पास बहुत सारी चिप्स का पैकेट था एंड बंदर आए और वो छीन के ले गए। वो बंदर बुआ के चिप्स सारी चारों के चारों पैकेट ले गया, वो भी प्रॉपर आके बसे हाथ किया, बोला साइड हो, छीन के ले गया। तो गाइस चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। वो बेचारे उनको खाने को मिलता नहीं है चिप्स, आज पार्टी है उनकी, चीटे है उनका, बंदरों का चीटे हो गया आज, चिप्स खाएंगे वो। ओह माय गॉड लड़ाई होगी, ये बंदर शोर मचा रहे हैं इतना ज्यादा, पार्टी हो गई आज उनकी, सारी चिप्स की पैकेट ले गया वो, अभी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं सारे, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। एक पैकेट हमने बचाया हुआ है वो आज रात की गोद में। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है तो आपको भी बैठना पड़ेगा, तो तीन बैठते हैं तो सीटें होंगी ना पूरी। अनुराग कम का इस पे जा रहे हैं, देखो बैठ गए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, ये दादी बैठी है पीछे, जादू एंड हुआ और ये अनुराग अपने चिप्स संभालते हुए, वो डर गया है मेरी चिप्स भी उड़ा ले जाएंगे पत्थर। से बैठ गए बिकॉज हमें थोड़ा और आगे जाना था, हम थोड़े आलसी हैं। हाँ तो सीधा हम जा रहे हैं जहाँ पे पानी है, रिवर दिखाते हैं आपको, वहाँ पे भी हमने शूट किया।
ठीक है मंदिर की लाइन नहीं ये वापस जाने की वापस जाने वाली की। भाई साहब कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वापस जाने वालों की देख सकते हैं। गाइस हाँ भाई हम आपको लेके चल रहे हैं वहाँ पर हम बापू के साथ हम आप थे या नहीं पता नहीं फर्स्ट टाइम जब मैं मेरे मम्मी पापा आए थे तो हम बापू के साथ यहाँ पर आए थे तो मेरे मम्मी पापा को भी हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे और हमने शॉर्ट पिकनिक टाइप यहाँ मनाई थी तो वही जगह है वही लोग हैं हम सिर्फ मम्मा पापा नहीं है बाकी बापू मम्मा है और अभी हम जा रहे हैं वहीं तो वही एकदम से मुझे याद आया कि हाँ शादी के पहले जब हम यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम मम्मा पापा के साथ मिलने बापू मम्मा से तो वो हमें यहाँ पर लेकर आए थे हमने पिकनिक सेलिब्रेट करी थी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ तो वही हाँ आज सच्ची में यार वेदर की वजह से ना मैं बहुत खुश हूँ वरना मेरे को तो फेस पे इतना पसीना आता है ना कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ उससे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आज वेदर अच्छा है मेहरबान है हमारे ऊपर तो हम अच्छे से इतना घूम भी पा रहे हैं वरना तो थकान हो जाती है फटाफट धूप में। ये देखो इनके मज़े होते हैं गोदी आ जाते हैं अभी थोड़ा वॉक करना है एक्चुअली यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो पैर ऑफ मतलब जो भी आप शूज़ या जो भी पहन रहे हो बहुत कंफर्टेबल पहनना है बिकॉज काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ मतलब हर जगह वॉक करना ही पड़ेगा गाड़ी आप एकदम जो व्यू पॉइंट है वहाँ तक ले जाना अलाउड नहीं है तो कंफर्टेबल पहनेंगे तो आपको ईजी होगा वॉकिंग करने में पैर नहीं दुखेंगे एंड वरना जब थक जाते हैं तो फिर वो मज़ा भी नहीं होता मज़ा किरकिरा हो जाता है तो बेटर है कि आप अपने शूज़ कंफर्टेबल शूज़ पहने एंड एज़ वी नो कि कल से बहुत बारिश हो रही है और इस साल बहुत एक्चुअली बहुत बारिश हुई है साउथ में तो पानी तो काफ़ी दिख रहा है यहाँ से ही दिख रहा है मेरे को मैं आपको दिखाती हूँ देखिए गाइस कितना वाटर है अभी हम पास से जाके दिखाते हैं आपको बस पास से जाकर आपको दिखाते हैं आपको मैंने दूर से तो दिखाया कितना सारा पानी है बिकॉज़ इस साल कर्नाटका में बहुत बारिश हुई है जब बैंगलोर जैसे शहर में रोडों पे इतना पानी भर गया था कि कार डूब गई थी तो सोचिए कि नदी कितनी ओवरफ्लो हो गई होगी एंड बहुत मज़ा आने वाला गाइस एंड होप करती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस व्लॉग को देखकर आपको मज़ा आ रहा है आप भी एक्साइट हो रहे हैं कि हाँ हम भी अपनी फैमिली के साथ ऐसी जगहों पे जाएं ओ माय गॉड गाइस लुक एट दिस इट्स ओवरफ्लोइंग जब हम आए थे फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं था वी वर सर्चिंग फॉर वाटर एंड सी नाउ वाओ बहुत ही बढ़िया है यार गाइस देखिए मैं आपको उस टाइम का जितना पानी था ना उसकी भी अगर मेरे को क्लिप मिली या कुछ भी थोड़ा बहुत वीडियो या फ़ोटो मिली तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अभी आप ये देखिए तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि बारिश की वजह से जो कितनी बढ़िया बात हुई है ओह माय गॉड मज़ा आ गया ये देखिए प्रॉपर नदी ओ जो वो आप देख रहे हैं वो जो टेंपल टाइप दिख रहा है वो डूब चुका है एक्चुअली उसके अंदर हम गए थे भी बस उसकी छोटी छोटी नज़र आ रही है देखिए गाइस ये वाली ये पूरा उसके नीचे पानी होता था और अभी पूरा डूब चुका है वो काफ़ी पानी है आज तो हेमंत जी आप
जब हम आए थे जब पानी कम था वो वाली अगर स्लिप मिलती है तो वो भी एडिट करके डालना और दिखाना कि कंपेयर करना कि देखो सॉन्ग का लिंक ही मैं डाल दूंगा आप हाँ, उसमें चेक कर बिकॉज वो जो दिख रहा है वहाँ हम अंदर उसके जाके फोटो शूट किया था और वीडियो बनाई थी और अभी देखो वो पूरा डूब चुका है। ये जो गाइस ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है आपको ये अंजनी पर्वत है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम यहाँ रेस्ट फरमा रहे हैं। हम जो मैंने आपको बताया कि जो डूब गया है उसका नाम है पुरंदरादासा मंटप्पा। पुरंदरादासा मंटप्पा बेटा वो हिंदी है उस तरफ जाओ एबीसी। ये है एबीसी, ये है एबीसी, ये नहीं दिस वन। हाँ पढ़ो तो अभी हम आपको ले चलते हैं विजय विठल टेम्पल में और वहाँ हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे जो 50 rupees का नोट है उस पर जो फोटो है रथ की वो सेम यहाँ पर है तो हम वो दो वो चीज़ आपको दिखाएंगे तो चलिए स्टे ट्यून्ड। दादू के मज़े लेते हुए अनुराग जी मेले में जाते थे पहले ऐसे हेमे जी जाते होंगे अपने बचपन में दादा अपने पोते को लेके जाता था। हाँ तो अभी ये दादा अपने पोते को लेके जा रहे हैं। ये देखिए विठला टेम्पल 300 meters हमको चल के जाना है तो चलिए। और हेमंत जी क्या हाल चाल? मस्त एकदम, मज़ा आ रहा है। मैं तो थक गई अब। मैं भी थक गया ऑलमोस्ट। बस ये लास्ट एक जगह है ये देख के फिर हम लंच करेंगे जाएंगे अपने टिकट। ये देखिए गाइस कितना सुंदर टेंपल, चारों तरफ इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो 50 rupees का जो नोट होता है तो उस पर जो रथ बना हुआ है वो है ये वाला। बताना कि आपको कैसा लगा। अगर और भी कोई जगह है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम जाके एक्सप्लोर करें तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम वहाँ के भी ब्लॉग्स बनाएंगे। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।